सो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसेट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ कर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली पूछी जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया था ना, सब ग्रुप पढ़ा था। ठीक है, तो सब ग्रुप किया, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बेसिक्स के हमने कोसेट्स का बेसिक किया। अब हम क्या करने वाले, प्रॉपर्टीज़ करने वाले। उसके बाद हमारे पास लैग्रांजिस थ्योरम आती है, उसके बाद हमारे पास आयलर थ्योरम आती है, और उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक पैटर्न समझना अपना कि हम एग्ज़ाम में फुल नंबर किस तरह से लाएं, कि कम भी पढ़े थोड़ा सा ना, कि ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और पूरे नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट है उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमारे पास ये जो यूनिट नंबर टू है, इसमें हमारे पास देखो यूनिट नंबर टू में क्या होता है, सब ग्रुप होता है, कोसेट होता है, तो इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, या तो फोर्थ करो तो ये दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, या तो फिफ्थ करो या तो ये दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप फोर्थ करते हो तो इसमें देखो पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है, सब ग्रुप का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, कोसेट का क्वेश्चन है। तो अगर आपको सब ग्रुप और कोसेट्स दोनों का पता है ना, तो आप हमारे पास तो आप इस वाली यूनिट में पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को अगर देखते हैं आप, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोसेट का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन सब ग्रुप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, सब ग्रुप और कोसेट। ठीक है, सब ग्रुप आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, अब हम कोसेट को कितना पढ़े कि हम ये वाला पार्ट पूरा कर लें। देखो इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा सब ग्रुप का, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारे पास कोसेट का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर या तो सब ग्रुप का आएगा या तो कोसेट का आएगा। सब ग्रुप का आएगा तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना, फिर हमारे पास ये वाले दो क्वेश्चन कोसेट्स के होंगे। और अगर यहाँ पे कोसेट का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास कहाँ तक आएगा, देखो बेसिक है, फिर प्रॉपर्टीज़ है, फिर लैग्रांजिस थ्योरम है, आयलर थ्योरम है। कोसेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोसेट में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ तक हमारे पास इसमें पूछ लेगा, उसके आगे जो है ना लैग्रांजिस थ्योरम या आयलर थ्योरम, वो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे पूछा भी है लैग्रांजिस थ्योरम। ठीक है ना, तो अगर आप क्या करते हो कि सब ग्रुप आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, बेसिक्स भी पूरा पढ़ लिया और प्रॉपर्टीज़ तक आपने पूरा कर लिया, तो आप ऐसा मान के चलो कि 98% आपका हमारे पास पूरा पूरा आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे लैग्रांजिस थ्योरम भी आए, बट बहुत कम चांसेस है। यहाँ तक अगर आएगा भी तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ तक आएगा। तो आप समझ सकते हो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कितनी मेन है। अच्छा, मेन क्यों है, देखो हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे सब ग्रुप के आए, दो क्वेश्चन हमारे पास कोसेट्स के आए। तो जो कोसेट वाले क्वेश्चन दो हमारे पास क्वेश्चन है ना, उसमें से एक क्वेश्चन कौन सा है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देखो ये वाले हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है, देर इज़ वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन दी सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच एन जी एंड सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच एन जी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी नंबर वन। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर सिक्स आती है, ये भी सेम है, देर इज़ वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन। तो ये जो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट हमारे पास एग्ज़ाम में आती है। ज़रूरी नहीं है कि सिक्स्थ ही प्रॉपर्टी आए, सेवन्थ भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है, फिफ्थ भी आ सकती है, मतलब कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी आएगी आएगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास कोसेट के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो किस तरह के आ रहे हैं। दो क्वेश्चन आपको आएंगे कोसेट के, दो क्वेश्चन आएंगे सब ग्रुप के। तो दो क्वेश्चन आपको सब कोसेट के आ रहे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने कौन सा रखा, प्रॉपर्टी का रखा। सात प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, सात प्रॉपर्टीज़ एक टाइप की थ्योरम मान के चलो, ठीक है ना। तो सात थ्योरम्स है, उसमें से एक थ्योरम आपकी एग्ज़ाम में आप ऐसा समझो पक्का ही रखो। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी मिस मत करना, पूरी प्रॉपर्टी देखना, ठीक है। अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली और सब ग्रुप का भी पूरा पढ़ लिया, तो आप समझो कि आपका ये वाला पार्ट जो है ना, मैक्सिमम टाइम आप 99% रखो कि आपका हो जाएगा। बट हो सकता है यहाँ पर अगर लैग्रांजिस थ्योरम पूछ ले, वैसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वो आगे का है, वो यहाँ पे आएगा फिफ्थ क्वेश्चन में, पर फिर भी अगर पूछ ले तो लैग्रांजिस थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से करा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो वहाँ तक अगर आपने देख लिया तो आपको समझो आपको फिर वो आयलर थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना करो, आपके पूरे नंबर इस चैप्टर में या फिर मैं बोलूँ यूनिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एच ए इज़ इक्वल्स टू एच इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है समझते बात को। हमारे पास कोई भी सब ग्रुप होता है, जब उसमें हम राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोसेट, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो सब ग्रुप है और हमने जो इसका कोसेट बनाया, ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे कब, जब ये जो हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया है ये ग्रुप में होने के साथ साथ इस सब ग्रुप के अंदर भी होगा, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। दोबारा बता देता हूँ, सब ग्रुप हमारे पास कोसेट के बराबर होगा
कब, जब ये जो हमने एलिमेंट ग्रुप का लिया है ये हमारे पास इसी सब ग्रुप में मिले, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो H इज इक्वल्स टू एच ए इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू H, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो जो थ्योरम्स होती है ना उसकी एक बड़ी अच्छी बात होती है कि हमारे को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन में हम पता लगा लेते कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ दिया है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन और सफिशेंट कंडीशन लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इफ़ एंड ओनली इफ से जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट हमने कर लिया, लेट एच इज इक्वल्स टू एच ए, सब ग्रुप हमारे पास उसके कोसेट के बराबर है, ये हमने ले लिया, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि हम ये जो ए एलिमेंट है ये हमारे पास इस सब ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, अगर कभी समझ में ना आए ना कि कैसे हमने आगे क्या करें आगे क्या करें, तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको ज़रा ध्यान से देखना क्या करेंगे, ठीक है ना। तो वहीं से हमारे को कुछ आगे का रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास गिवन है कि भैया एच इज इक्वल्स टू एच ए, ये एच क्या है, एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, और एच ए क्या है, हमारे पास कोसेट है, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ तो एच में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉलेस्ट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और इस एच ए में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, देखो एच ए में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एच ए टाइप के होंगे। फॉर ऑल ये एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल एच से, और ये जो ए है हमारे पास कोई भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है। इस एच की अगर हम बात करें, एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, सब ग्रुप से, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं जो कि सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सब ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी भी उसमें मिलेगा, और हर एक एलिमेंट का उसमें इन्वर्स भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने तीसरी बात जो बोली आइडेंटिटी, मतलब ये जो एलिमेंट है एच इसकी जगह मैं आइडेंटिटी भी लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं इसकी जगह आइडेंटिटी लिखूँ, यहाँ पे ए लिखूँ, तो ये जो एलिमेंट बना ये हमारे पास किस में मिलेगा, एच ए में मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो यही कह रही है, तो हमारे पास कहाँ मिलेगा, ये एच ए में मिलेगा, ओके। आइडेंटिटी जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसी चीज़ को प्रोड्यूस कर देती है, तो हम कह सकते हैं ये जो ए एलिमेंट है ये भी हमारे पास कहाँ मिलेगा, एच ए में मिलेगा, ओके। और हमें गिवन क्या है कि भैया एच ए हमारे पास इसके बराबर है, ये हमने लेट किया है, तो हम कह सकते हैं कि एच ए हमारे पास एच के बराबर है। इसका मतलब ये जो ए एलिमेंट है ये हमारे पास कहाँ मिलेगा, हमारे पास सब ग्रुप में मिलेगा। तो ये ना कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। देखो ये अगर एलिमेंट हमारे पास एच से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट हमारे पास एच से बिलोंग करता है, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये एलिमेंट एच से बिलोंग करता है और ये एलिमेंट कहीं और से बिलोंग करता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इन दोनों को आपस में प्रूव करना है, तो अगर इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी ना, तो ये वाला एलिमेंट भी हमारे पास इसी का होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यही था, ये मैंने आप लिख रखा है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, जो इफ एंड ओनली इफ के राइट साइड होता है उसको हम लेट कर लेते, तो लेट ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि भैया जो सब ग्रुप हमने लिया है और जिसका कोसेट जनरेट हुआ है ये दोनों हमारे पास बराबर है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमें पता है कि भैया जब हम दो साइड को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट ले लिया, प्रूव कर दिया उसको इसमें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ इसमें कंटेन करती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का एलिमेंट लिया उसको इसमें प्रूव कर दिया कि वो इसमें भी है, तो हम बोलेंगे ये चीज़ इसमें कंटेन करती है। तो दोनों आपस में कंटेन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास टेक्निक रहती है किस तरह से हम दो चीज़ों को बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है ना उसको ज़रा ध्यान से देखना, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि ए बिलोंग्स टू एच, इसको हम बस जस्ट साइड में रख लेते, ये हमारा बहुत काम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का एलिमेंट लेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे कि वो इसमें भी है। तो यहाँ पे हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो हमारे पास एच में बिलोंग करते हैं, ठीक है, ओके। गिवन स्टेटमेंट देखो और जो हमने लिया उसको देखो ध्यान से, एक एलिमेंट ए है जो कि एच में बिलोंग करता है और एक एलिमेंट स्मॉल एच है जो हमारे पास एच में बिलोंग करता है, मतलब दोनों एलिमेंट हमारे पास कहाँ बिलोंग करते हैं, एच में बिलोंग करते हैं। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एच में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा,
करेगा, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये भी एलिमेंट इसी का है, ये भी इसी का ही है, तो दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लग सकती है। तो हम कह सकते हैं कि भैया एच ए जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास कहाँ मिलेगा, एच में मिलेगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया देखो, ध्यान से देखो। अगर आपको मैं बोलूँ एच ए जो सेट है हमारे पास, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, स्मॉल एच ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल। ये जो एच हमारे पास कैपिटल एच से, और ए हमारे पास कोई ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये हम कोई भी बता देगा जिसने अभी तक थोड़ा भी पढ़ा है। ठीक है, तो इनिशियली ये चीज़ हमारे पास होती है, ये हमें पता है। बट हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, कि हमने क्या निकाला कि जो एच ए है ये हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है। इनिशियली हमें क्या पता है एच ए टाइप के एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैपिटल एच ए के सेट से बिलोंग करते हैं। बट अब हमें क्या मिला, ये एच ए हमारे पास कहाँ कहाँ मिला, एच में मिल गया। ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये हमारे पास है ये इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो एच ए है वो हमारे पास कंटेन करेगा एच में। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट लिया, उसको हमने प्रूव कर दिया कि वो है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का एलिमेंट लेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे कि वो इसमें है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का एलिमेंट ले लेंगे। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको ज़रा ध्यान से रखना। गिवन हमारे पास क्या है, दोबारा लिख रहा हूँ, गिवन हमारे पास क्या है कि ए हमारे पास एच से बिलोंग कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड का एक एलिमेंट लेना जिसको हमें इसमें प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एच और ए टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि हमारे पास कैपिटल एच ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है और इसमें हमारे पास रिलेशन क्या बन सकता है। ये जो ए एलिमेंट है ये हमारे पास सब ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये वाला, ये हमारे पास कोई सब ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब इसकी जगह मैं कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लिख सकता हूँ जो कि हमारे पास एच में बिलोंग करता हो, कहने का मतलब यही हुआ है ना। तो एच में हमारे पास आइडेंटिटी भी तो बिलोंग करती है, तो क्या मैं ए की जगह आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो क्या ये एच ई हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, एच ए से। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, एच कहाँ मिला, ये मिला। ठीक है, तो यहाँ अब हमें मिला क्या, एक एलिमेंट एच है जो कि हमारे पास एच ए में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं एक हमारे पास सब ग्रुप है एच, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल। ये जो एच हमारे पास कैपिटल एच से बिलोंग करेगा, ये कोई भी बोल सकता है जिसने अभी तक अच्छे से पढ़ाई की है। तो पर अब हमारे पास क्या निकला है कि भैया ये जो एच एलिमेंट है वो हमारे पास कहाँ मिल रहा है, एच ए में मिल रहा है। इनिशियली ये था, अब ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कोई भी इसका हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं एच हमारे पास कहाँ कंटेन करेगा, एच ए में कंटेन करेगा। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को देख के हम कह सकते हैं कि भैया ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एच इज इक्वल्स टू एच ए। ठीक है।